वेलकम बैक खबरदीन हजरात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में हम वेलकम कहते वक्त हो जाता है किचन क्वीन का। लेकिन आज हम जो बना रहे हैं वो है पालक पनीर। चले जी, अच्छा हाँ। मैंने क्या किया था, मैंने इसमें हाफ के जी 500 ग्राम्स मैंने इसमें स्पेनिच लिया था, पालक लिया था मैंने उसको। अच्छा, पालक की डंडियां बहुत बड़ी होती तो उसको आप हाफ कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद मैंने गरम एक पानी को उबाला एक पतीले में, उसको मैंने ब्लांच किया 5 to 7 minutes। उसके बाद मैंने इसको स्ट्रेन किया पालक के पत्तों को, फिर मैंने इसको ब्लेंड कर दिया, ठीक है। ब्लेंड करके वो इस तरह का हो गया। और जब आप लोग ब्लेंड करें हमेशा 2 ice cubes उसमें ऐड कर दे करें, ताकि एज इट इज कलर है, कलर इसका चेंज नहीं होगा कोई भी वेजिटेबल्स होते। और आपको पता है ये तो सुपरस्टार है लीफी वेजिटेबल्स का, ये तो बेस्ट है पालक। चलें जी, हम इसमें फ्लेम ऑन करते हैं। चलें जी, हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे, इसमें 1/2 cup ऑफ ऑयल जाएगा। चलें जी, 1/2 cup हमने उसमें ऑयल ऐड किया। चलें, इसमें 2 tablespoons इसमें चॉप्ड गार्लिक जाएगा, ठीक है। हल्का सा लाइक कलर देंगे, लाइक गोल्डन ब्राउन सा। अच्छा, साथ साथ मैं इसके डाल दूंगी ये करी लीव्स। चले जी, थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होगा। अच्छा, इसके साथ साथ मैं इसमें डालूंगी रेड होल चिलीज, 7 to 8 इसमें चली जाएंगी। थोड़ा सा ये गोल्डन ब्राउन हो जाएगा, फिर हम इसमें क्या करेंगे, ज़ीरा ऐड करेंगे, क्योंकि ज़ीरा बहुत जल्दी जल जाता है, तो इसलिए हम इसको एंड में ऐड करेंगे। अब मैं इसमें ऐड करूँगी ये जो मैंने पालक को ब्लेंड करके रखा था, ब्लांच एंड ब्लेंडेड, ये इसमें ऐड हो जाएगा। इसको हम थोड़ा सा भूनेंगे, उसके बाद हम इसमें डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्चें, ठीक है, अराउंड 2 teaspoons हीप्ड भर के, ठीक है। सॉल्ट इसके अंदर जाएगा 1 teaspoon, और इसमें जाएगा कसूरी मेथी, ये मैं डाल रही हूँ इसमें अराउंड 1 to 2 tablespoons। अब मैं इसमें ऐड करूँगी ये जो दही मैंने फेंट के रखा हुआ था, ये इसमें जाएगा 3 to 4 tablespoons। अब इसमें जाएगा लीमू का रस जो कि 1 tablespoon है, ठीक है, ये इसके अंदर हम ऐड करेंगे। और ये चिकन का जो क्यूब था मैंने आपको बताया था, ये इसके अंदर ऐड होगा, ठीक है। अब हम इसको अच्छी तरह से पकाएंगे, मतलब लाइक भूनने की तरफ जब ये आएगा तो ये ऑयल ऊपर आ जाएगा। और इसी के साथ साथ मैं डाल दूंगी इसके अंदर ये जो चॉप मैंने हरी मिर्चें रखी थी, ये इसके अंदर मैंने ऐड कर दिए 4 से 5। इतने ये भून रहा है, इतने में मैं क्या करूँगी कि ये जो मेरे पास पनीर रखा है, ठीक है, इसको मैं फ्राई करूँगी। और पनीर को हम फ्राई करेंगे, सबसे पहले मैं इसमें डालूँगी सेसमी सीड्स 1/2 tablespoon, इसमें बटर ऐड होगा, ठीक है। और फिर मैं इसमें डालूँगी ये पनीर, क्योंकि जब ये सेसमी सीड्स जाएंगे, बटर जाएगा, थोड़ा सा ऑयल जाएगा, फिर ये पनीर को फ्राई करेंगे, लाइक सॉटे करेंगे, शेलो फ्राई करेंगे, इसका बहुत तेज दोपाला हो जाएगा। ये हमारा पनीर फ्राई हो गया, मैंने इसमें थोड़ा सा बटर ऐड किया था, सेसमी सीड्स ऐड किए थे, चॉप्ड हरा धनिया ऐड किया था, और 1 tablespoon ऑयल करके मैंने इसको फ्राई कर लिया। ये हमारा डन हो गया, हमारा पालक पनीर भी डन हो गया। बस मैं क्या करूँगी, जब मैं बिफोर सर्विंग मैं इसमें क्रीम ऐड कर दूँगी, फिर ये हमारा डन हो जाए, फिर मैं प्रेजेंटेशन कर दूँगी। मैंने 500 ग्राम मैंने पालक लिया था, ठीक है, उसको मैंने ब्लांच करके ब्लेंड कर लिया था, फिर मैंने ऑयल लिया, उसमें चॉप गार्लिक डाला, करी लीव्स डाले, साबुत गोल मिर्चें डाली, ठीक है, ज़ीरा डाला, और फिर मैंने पालक को डाल दिया। पालक को मैंने थोड़ा सा पकाया, उसके बाद मैंने इसमें लेमन का जूस डाला, नमक डाला, कुटी हुई लाल मिर्चें डाली, कसूरी मेथी डाली, योगर्ट डाला मैंने इसमें 1/2 cup, और फिर मैंने इसको अच्छी तरह से भून लिया, ठीक है। और फिर इस बाद में मैंने हरी मिर्चें, हरा धनिया, ये सारी चीज़ें डाल के मैंने इसको कर लिया, दिस इज़ रेडी। पनीर को मैंने आपको बता दिया फ्राई कर लिया। अब मैं इसको सर्विंग की तरफ आ जाती हूँ, सर्व कर दिया। मैंने इस पर ऊपर क्रीम ड्रिजल कर दी, क्योंकि अगर आप लोग क्रीम पकते हुए डालेंगे तो वो क्रीम फट जाएगी, तो जब आप सर्व करें उसके ऊपर क्रीम हल्की सी ड्रिजल कर दें। जबरदस्त नौरीन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच।